अपर जिलाधिकारी पुरुषोत्तम दास गुप्ता ने कॉमन सर्विस सेंटर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वीएलई को एलईडी टीवी ईयरफोन देकर सम्मानित किया, जिसके संबंध में अपर जिलाधिकारी प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता ने बताया कि कॉमन सर्विस सेंटर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 12 बीएलई को ईयरफोन टीवी एलईडी ईयरबड्स देकर सम्मानित किया गया है, जिससे यह लोग और अच्छे से कार्य कर सकें। यह लोग 3 साल से कार्य कर रहे हैं और शासन के द्वारा चलाई जा रही योजना का ऑनलाइन आवेदन, जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, हैसियत प्रमाण पत्र को ऑनलाइन बना रहे हैं और सरकार को लाभ पहुंचा रहे हैं। ऐसे लोगों को बीएलई कंपनी ने गिफ्ट दिया है, जिससे यह लोग प्रोत्साहित हो सकें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर जिलाधिकारी प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता ने कहा। ये BLS कंपनी ने जो इनके जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं जो संचालित करते हैं, उसमें जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है, यानी कि जो गवर्नमेंट को बहुत अच्छा उन्होंने जो फ़ायदा पहुंचाया है, तो उन ऐसे 12 BLS को आज यहां पर ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने ईयरफोन टीवी एलईडी ईयरबड्स इस तरह का आइटम उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये दिया गया है, ताकि वो और अच्छा से अच्छा काम कर सके। सर, ये लोग कितने दिनों से काम कर रहे थे, लगभग जिनका चयन हुआ अभी तक? ये BLS वाले तो 3 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, और आप देखते होंगे कि जनसेवा केंद्र हैं, जो भी उनके माध्यम से जो ई सेवाएं होती हैं, वो सारी चीज़ें ये लोग करते हैं, जैसे आय जात निवास प्रमाण पत्र है, या कोई राशन कार्ड है, आजकल हैसियत प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें जो ऑनलाइन हो गई, वो ऑनलाइन सर्विस देते हैं। तो इसमें जो जिन्होंने अच्छा काम किया है, उन्हीं लोगों को पुरस्कृत किया गया है।